हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और अभी 12:01 का टाइम हो गया और आज तो नहाए धोए भी नहीं करी, बिल्कुल बिना नहाए डोल रहे हैं। नहाए धोए करेंगे अभी। और क्या आज कुछ ऐसे काम में फंस गए इसलिए नहाए धोए करना नहीं होया। फिर खेतों पे से गए 8 साढ़े 8 बजे, बिल्कुल धुंध छाई हुई थी, जो जाने का मन ही नहीं करता ज़्यादा। तो लेट तो खेतों पे से गए, फिर लाइट नहीं आ रही, खाना ना बनाने लग गए। फिर क्या करें, फिर लाइट लेट आई तो रोटी खा ली मैंने, तो फिर आई नहीं, आ तो बाबा पे नहीं आई। आ तो बाबा का नियम तोड़ दिया। और क्या है, हमारे यहाँ खेतों पर जो 5-7 पेड़ जो पपीता रंग के लगा रखे, जे मैं देख के आती हूँ। पकाई होगी तो खा लेंगे भाई, क्या करें बैठे बैठे। और पानी लग रहा है क्योंकि 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, इसलिए पानी बंद कर दिया बीच में, क्योंकि गेहूँ खराब हो जाते हैं। फिर बारिश हो रही लगातार तो ज़्यादा पानी से गड़ जाते हैं। अब क्या, बारिश हो गई पहले और अब गर्म पानी दे देंगे तो बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो अभी भाई पपीताओं के पेड़ों के बगीचे में पहुंची को आया है जैसे। देखते हैं इधर, कुछ हमारे जीजी ने जी चुंदरी से ढक रखे है भाई। पता नहीं गांव में ऐसे ही ढकते हैं सभी, और बढ़िया ऐसे ढक के रखते हैं तो मतलब खराब नहीं होते ऐसे, खराब हो जाते हैं। नहीं तो ढक के नहीं रखते ऐसे, चौड़े में रखते हैं ना तो भाई खराब हो जाते हैं। तो आप भी बताएं कमेंट कर में, आपके भी होंगे पपीता के पेड़ तो इधर को तो बहुत सारे हैं, यहाँ तो गांव में तो हर कोई घर में लगाते हैं। तो आप भी बताएं आपके भी ऐसे ही ढक के रखते। मेरे को तो लगता नहीं अभी पपीता पकी हो, क्योंकि पूरी पूरी हरी की हरी रखी हुई है ये तो, बिल्कुल किस्मत ही खराब है, क्या करे। भाई क्या करें, आज तो हमारी पपीता खाने की इच्छा हो रही, पर एक भी नहीं पकी। किस्मत ही खराब है बिल्कुल भी, मतलब आ तो बहुत सारी रही है पर पकी एक भी नहीं है। देखो बिल्कुल ये पेड़ भी लड़ालूम हो रहे हैं, पर अभी तक तो अरे ये दो तो पहले तोड़ ली, पहले पकाई और अब नहीं पकी। इधर को इस पेड़ में भी आ रही है, हमें भी और 2-3 दिन में तैयार आई कोनी। ई में जो फूल आ रहा है पेड़ में, तो इधर को इस पेड़ में भी फूल आ रहे, ऊपर तो 3-4 आ रही नीचे को, और दो पेड़ यहाँ जी इनमें भी फूल आ रहे कुछ, और कुछ आ भी रही है तो अभी आई है थोड़े से दिन हुए इनमें तो, इनमें तो एक भी नहीं पकी है यहाँ तो। और ये पेड़ पता नहीं इस पेड़ वाले क्या हो गया। ये तो बिल्कुल मेरी इस तरह हो गया, मुरझाए मुरझाए। बिल्कुल सर्दी में खराब हो गया है पेड़ तो। इसमें तो कुछ फूल भी नहीं आ रहे, मतलब ऊपर से पत्ते भी नहीं आ रहे, बिल्कुल बढ़ गया कितना ही। देखो इनकी इसकी हालत कैसी होगी पौधे। देखो गाइस, खेतों पर कितना अच्छा व्यू जा रहा, मतलब चारों तरफ गेहूं गेहूं, हरियाली आ छा रही बिल्कुल। राजेश जी पानी बोल रहे हैं तुमसे, आज बिल्कुल अजोर हो रही है, क्योंकि खाना खाने के लिए निकलते कमरे में से ने जे भी अहमद दीदी आवाज लगाती, बड़े भाई आ जा रोटी खा ले रोटी खा ले। जब आके चूल्हे पर तापता भी नहीं, डायरेक्ट कमरा में खाना खा के और डायरेक्ट कमरा में पैक होता था। रहा तो पानी मोड़ रहा है, जिनको आनंद आ रहा बड़ा। देखो जिसको आज बिल्कुल गांव के खेतों में चारों मेर चक्कर काटना पड़ रहा है, और हमारे खेत में समस्या भी, क्योंकि इधर से सीधा पानी नहीं छंटता है, पहले पहले कोने से भराना पड़ता है। ना लिए हैं, सर्दी लग रही है हैं, नाक लाल की हो रही है सर्दी से, तो नहाना जरूरी है क्या गाइस? हम तो नहीं दिखाएंगे आपको हमारा चेहरा। नहीं दिखाए क्या, सुबह से पानी मोड़ रहे हैं, हालत खराब है बिल्कुल, टोपा लगा रखा है, बाल पता नहीं कैसे हो रहे हैं। अब देखो ये नहाने वालों की नाक देखो, नाक ना, नाक देखो, नाक देखो इनकी, नाक लाल चट नाक हो रही है। और क्या, यहाँ से पानी निकल रहा था थोड़ा थोड़ा पाइप से, तो खोल के ना लिए, और अब घर पे जाओगे सामान लेने?
चलो ठीक। दीदी आ गई नहीं तो मैं जाऊंगी, हम्म, कहते हैं मैं दीदी आ गई नहीं मैं जाऊंगी। चलो तो गाइस अभी नहाई धोई करके और फ्री होगी, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही क्योंकि आज सर्दी बहुत तेज ही, इसलिए आज तो 4 ही बज गए नहाने में, कपड़ा वपड़ा धोए जी में, और अब घर जाने की सोच रही। था हेमा दीदी ने हमारी बहुत हेल्प करी बेचारी, मेरे को रास्ते में मिल गया हेमा दीदी, ननद होते ऐसी हो सबकी। आप भी कमेंट करके बताया आपकी कौन कौन की ननद है, कि इतनी समझती है बेचारी, घर से हमारे लिए आटा साग सब्जी सब सामान परपन बांध के लिए आई। दीदी बहुत अच्छी है भाई, और कानू को भी ले आई साथ में, देखो हमारी कानू, कानू हाय कानू इधर को देखो, हाय हाय हो रहा, हाय हाय। कानू ने मोचा वोचा सब पे रखे, बिल्कुल पैक हो रही जाडे। दोनों बुद्धि जी चल रही बोल बतला के। तभी जा रही घर, 4 साढ़े 4 काम होगा, मावी जी जी अकेली घर पे तो काम करे बिचारी भाभी जाके। आज तो कुछ खास है बनाने के लिए। और क्या, चला तो बनाओ भाई। कानू, कानू इधर देखो, पापा इधर। ये लड़की है लेकिन इसे हम कानू के नाम से पुकारते हैं, वैसे नाम इसका नीतू है। बोलन ये हमारे बिट्टू को इसमें लपेट रही है, सर्दी का मौसम है तो बिल्कुल रेगु क्यों ले रही होगी तू यार। भतीजी बोल तो बतलाता है। पैक कर दी लड़की को। त्या ए त्या त्या दबा ले जाओ, जाओ बुआ के साथ में जाओ, जाओ जाओ दबा ले जा जे मन। जाओ जाओ जाओ, ये बहन जी भी देखो पैक हो गई। कानू हेलो, बड़ा पापा मो बाय बाय बेटा, आतन पैक कर लिया बुआ जी ने, बाय बाय गाइस गुरु पापा। बोल दे तो चलो ठीक है, चल जा। गाइस आज सर्दी का मौसम है, आज हम पराठे बना रहे बथुए के, और देसी जुगाड़ा आज हमारे पास कुछ साधन भी नहीं है, एक आलू भी पटियांगे एक ही आलू है, और तवा भी नहीं है बनाने के लिए, तवा भी नहीं है बनाने के लिए, मतलब रोटी बनाते हैं ना उसी मिट्टी की कड़ेली रखी हुई है इधर को, उसी कड़ेली में बनाएंगे, क्या करें यार साधन थे नहीं कुछ बनाने। तो राजेश जी ने बोला कि आज तो पानी बोल रहे तो भाई कुछ न कुछ खाने में स्पेशल हो, तो मैंने क्या बनाया भाई, बथुए को बथुआ खेत में गल बहुत सारा बथुआ रहा है, बथुआ तोड़ के बना लेते, जब देखते अच्छे बनते नहीं बनते घर के जैसे, क्योंकि ना कुछ साधन तय नहीं है, और क्योंकि अभी इसको सही कर रही हूँ ये अभी, ये क्या बथुआ, हाँ तो ये तो पका है तो देखने दे, ये पका नहीं है तो कोई कोई पका पके जन काट रही हूँ एक साइड कर, और एक आलू भी है, हाँ इसको सही कर रही क्योंकि ये डंठल रहते हैं ज्यादा इनसे अच्छे नहीं लगते, तो अभी इनको धुलाई करूंगी, पानी रख रखा है कढ़ाई में, पानी उबड़े उबड़ा आएगा फिर इनको उबाड़ोगे पहले ऐसे, हाँ तो देखना गाइस आज देसी तरीके से और देसी खाना बने रहे हमारे वीडियो के साथ, बताते हैं जो पहली बार बना रहे क्या पता कैसे बनेगा, मेहनत कभी बनाई भी नहीं। गाइस मेरा पालक सीज चुका और मैंने नीचे उतार लिया और ठंडा करके और दोंच भी लिया, और क्या करूँ मेरे पास कुछ साधन तैरने। ये देखो लोटे से बिल्कुल दोंच दिया इसको थाली में ठंडा करके, अब इसको एक जगह इकट्ठा करके और जोर से और नचो के फिर छोंकूंगी इधर को, प्याज मिर्ची काट के रख रखे। तो गाइज इसमें बथुआ और आलू ये छोंके और ये तैयार कर लिया, इसको मिक्स कर लिया, अब और थोड़ा सा आटा लेंगे और डबल गोड़ा बनाएंगे और उसके अंदर पैक करेंगे इसको। तो अभी बना रही है मनीषा जी, और क्या करो तू आता है नहीं हमारे पास देसी जुगा। कड़ेली में पहली बार किसी ने कड़ेली में पराठे नहीं किए होंगे, हम कड़ेली में पराठे करके बता रहे हैं आपको, लेकिन जैसे टूटे फूटे जैसे बनेंगे हम वैसे ही खाएंगे, ऐसे कोई नहीं है कि भाई आपको जैसे तवे के जैसे पराठे बन के मिलेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन अब हम जैसे हम पे बनेंगे वैसे ही खाएंगे हम। अब इसमें थोड़ा ये जमा के, मनीषा पहली बार कर रही है तू भी, एक बार माधोपुर में पढ़ाई करते हैं ना अब जब करें, तो माधोपुर में तो वहाँ का तो सुविधा थी ना यार वहाँ तो, और क्या ये ऐसा तो पहली बार कर रही इसको। बन जाएंगे पराठे, मेरे को नहीं लग रहा तेरे से बन जाएंगे। कहीं ठीक है ना किसी बनाओगे ऊपर आला बताओ कहीं हो गयो।
बंद करेगी बंद को करो साल बाद सुख बना नहीं यार काय मतलब है वो को क्यों पट गए। अरे सुख उस तो गए जब इसमें ये बेल रही है पराठा धीरे धीरे बेलो उसको धीरे 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 आराम आराम सुविधा भी ना कुछ बनते हैं परांठे मान लो अगर कहीं फंस जाए तो फिर पराठे खाने हो तो फिर बस 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 बहुत है बहुत है बहुत है बस बहुत है ज्यादा नहीं इतना बड़े बस 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 बहुत है पटको कड़ेली में वहीं साइड से पटको अरे वाह और ये दूसरा तैयार कर रहा बेल बेलने के लिए दूसरा तैयार कर दिया मैंने साने पलट उसको पलटो ना उसको पलट दिए हाँ दिए पलट दिए वो तो होने वाला था यार पलट दिए अब घी कैसे लगाओगे घी लगा दूंगी हाँ? लगा दूंगी अब अब घी लगाया जा रहा है गाय जिसमें बस 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 अब घी भी लगा दिया भाई अब दोबारा पलटोगे ऐसे लगेगा तो घी कड़ेली में नहीं लगेगा आज दिन तक किसी ने बनाया वही कड़ेली में पराठे हमने हम बना के खा रहे हैं लेकिन ये क्या पहला है अब धीरे 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 एक्सपीरियंस बढ़ेगा मनीषा लगेगा का अब एक्सपीरियंस बढ़ा रही है धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेगा पराठे बनाने का देखो हाँ वास्तव हाँ बन तो गए सीखो लेकिन कड़ेली कड़ेली में सीखेगा ये नीचे नहीं जाएगा। और क्या तो गाइस देखते हैं बन के तैयार होए फिर देखते हैं। खाके बताते फिर आपको कैसा लगते हैं कैसे नहीं लगते तो गाइस ये पराठा बन के तैयार हो चुका है और वो भी कड़ेली में देख सकते हो आप लोग कड़ेली में पराठा बन के तैयार हो चुका है और अब इसमें सब्जी भी बना ली हमने ये सब्जी भी वैसे ही बनाई है जुगाड़ लगा के इसमें टमाटर है मिर्ची है और हरी प्याज है। तो मनीषा दोबारा दूसरा बेल रही है और अब खाएंगे तो बस कर दो भाई आज के आज लिए के लिए बस इतना ही और अब और पराठे तो बना ही लिए पराठे बन रहे गरम गरम राजेश जी तो खाने को बैठ रहे भाई मैं तो गरम गरम खाऊंगा इनके क्या जुकाम लगी हुई है इनके मेरे जुकाम सही हो जाती है कहते हैं गांव के लोग तो और क्या यहाँ पर हमारे लाइट की व्यवस्था नहीं है गाइस तो इसलिए हमारे काक ससुराल जी के घर है तो वहाँ चार्जर लगाने जाएंगे मोबाइल को तो और वीडियो बन नहीं पाएगी बस आज के लिए इतना ही और वो आप थोड़ा मैं सब लोग चख के बता देता हूँ आपको स्वाद में कैसा लग रहा है थोड़ा चख के बता देता हूँ मैं भाई स्वाद में कैसा लग रहा है डायरेक्ट 30 में ही खाओगे क्या? नहीं तो उसमें क्या है ये है थोड़ा चख के बता रहा हूँ मैं आपके लिए आहा मेरी शक्ल नहीं दिखाओ मैं नया नहीं हूँ आज नमक आनंद आ गया थोड़ा नमक तेज है बस। तेज तो गाइज आज के लिए बस इतना ही और आप सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहे अगर और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें वहां भी अपना प्यार इसी तरह दिखाए जिस तरह आपने यूट्यूब पर अपना प्यार दिखा रहे तो आप आज जोड़ के निवेदन है आज के लिए बस इतना ही थैंक यू धन्यवाद।